हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सबको लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो लास्ट क्लास हमारी जो आज की क्लास है उसके उससे पहले आप प्लीज़ लास्ट क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो सारे हमारे बेसिक्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, वो सारी कवर कर ली थी। ठीक है, तो अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा और उसके बाद आपको ये क्लास ईजिली समझ आ जाएगी। आज हम इस क्लास में अपना कवर करेंगे जो हमारी सारी वर्किंग वगैरह होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो एक जल्दी से क्विक रिकैप दे देते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या क्या कवर करा था? हमने पिछली क्लास में सबसे पहले देखा था प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में, कि हमारे ये राइटिंग में नोट होता है, एक प्रॉमिस होता है जिसमें अनकंडीशनल राइटिंग होती है कि मैंने किसी थर्ड पार्टी को या किसी सामने वाले को पैसा देना है। ठीक है, उसमें पार्टी होती थी ड्रॉअर और ड्रॉई होते थे, दो पार्टीज होती थी प्रॉमिसरी नोट में। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज थे हमारे, वो क्या होता था, उसमें हमारी जो पार्टीज थी वो तीन होती तीन हो सकती थी। तीन पार्टीज हमारी कौन सी थी हमारे पास? सबसे पहले हो सकता था ड्रॉअर, उसके बाद ड्रॉई हो सकता था और पेई हो सकता था। ठीक है, ड्रॉअर होता था जो बिल बना रहा है, जिसने पैसे लेने हैं, जबकि प्रॉमिसरी नोट में होता था जिसने पैसे देने हैं वो बनाता था बिल। यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसने पैसे लेने हैं वो बनाता है बिल, और जिसने पैसे देने हैं वो ड्रॉई होता है, उसके आगे उसके नाम पर बिल बनाया जाता है। पेई वो हो सकता है, इसमें पेई थर्ड पर्सन हो सकता है इन दोनों के अलावा, जिसको पैसा मिलना है एक्चुअल में, राइट? हमने इसके बाद डिस्कस करा था कि हम ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, हमारा टेन्योर क्या होता है बिल का, और वो सब चीज़ें। तो वो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी थे, बेसिक्स, तो प्लीज़ एक बारी उस पर नज़र ज़रूर डालिएगा, राइट? आज हम चलिए वर्किंग के साथ स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसको एक ब्रीफ तौर पर मैं आपके सामने पेश कर पाऊँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ये सबसे ऊपर आपके पास सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं कि हमारे जो बिल इशू होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि बिल इशू हुआ और जिसने बनाया उसी ने रख लिया। ठीक है, कि जब भी इसकी ड्यू डेट आएगी मैं इससे पैसा ले लूंगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे अपनी पूरी क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए 1 अप्रैल को ए ने बी को सामान बेचा। ठीक है, तो ए बन गया हमारा, आई एम सॉरी, ए बन जाएगा हमारा क्रेडिटर और बी बन जाएगा हमारा डेटर, क्योंकि ए पैसे लेगा और बी ने पैसे देने हैं। तो सबसे पहले हमारी सेल की एंट्री हम कर लेंगे एक बार। सेल की एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? ये हमने बेसिक जनरल एंट्री वाली क्लास में, अगर हम अपना रूल लगाएं नॉमिनल वाले अकाउंट का, नॉमिनल और रियल अकाउंट का, तो उससे एंट्री बनती है हमारी बी अकाउंट टू सेल्स। ऐसे ही बी एंट्री जो रिकॉर्ड करेगा वो करेगा परचेज टू ए। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू भी डाल देते हैं। सपोज 1 लाख रुपए का सामान था वो, तो ये जो हमारी एंट्री है सेल की, ये हमेशा सेम रहेगी। ऐसे ही हमारी जो बिल रिसीवेबल जनरेट करने की, क्रिएट करने की एंट्री है, वो भी सेम रहेगी। उसकी एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी 1 लाख रुपए, और बी ऐसे ही रिकॉर्ड करेगा कि ए अकाउंट को मेरे बिल्स पेबल हो गए। बी के अकाउंट में हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे बिल्स पेबल, और ए के अकाउंट में हमारा एसेट क्रिएट होगा बिल्स रिसीवेबल के नाम से। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसकी जो ड्यू डेट थी वो 3 मंथ्स की थी। तो 3 मंथ कब पूरे हुए? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 30 जून को टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। और हमने क्या उसमें, एक हमारे ड्यू डेट में हमने एक और कंसेप्ट किया था कि जो +3 डेज वाला ग्रेस पीरियड वाला कंसेप्ट करा था हमने, कि 3 दिन हम इसको ग्रेस पीरियड देंगे। तो 3 दिन कौन से हो जाएंगे? जुलाई 1, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो जुलाई 3 को ए जाएगा बी के पास कि ये बिल रिसीवेबल है मेरे पास, तो आप पैसा दे दीजिए, और बी भी पैसा दे देगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, ए के पास कैश आएगा और बिल रिसीवेबल चला जाएगा। और बी वैसे ही करेगा बिल्स पेबल, और उसके पास से कैश चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हो जाएगा हमारा
बिल्स पेबल टू कैश, ठीक है। ये तो हो गए बेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ किसी भी चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं। अब इसका एक और केस सिनेरियो क्या हो सकता है अगर हम देखें, तो अब हो सकता है कि बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, अब सपोज कीजिए आपने एक बिल क्रिएट करा, एक कागज़ क्रिएट करा, तो वो आप अपने पास ना रखें। किस वजह से? आपको डर है कि वो खो जाएगा या खराब हो जाएगा, गुम हो जाएगा या कोई चोरी कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये बिल बैंक को दे देते हैं कि भैया इसकी ये डेट है और इस दिन ये पैसा मिलेगा, तो आप जब पैसा आ जाए आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। बैंक इस सर्विस का कोई चार्ज नहीं लेता है, अनलेस एंड अदरवाइज आप उससे पहले पैसे मांग रहे हैं। जब तक आप अपनी ड्यू डेट पर पैसा मांग रहे हैं, सपोज बैंक आपको ये फ्री दे देता है, तो अब हमारे पास सेम एंट्री होगी बिल रिसीवेबल वाली तक। जो हमारी फर्स्ट दो एंट्रीज हैं वो सेम हो जाएंगी, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल जनरेट करने वाली। इसके बाद अब बी को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस एंट्री से। ए क्या करेगा? ए करेगा हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ए हमारा जो ये बिल है ये बैंक को दे देगा कि आप इसे संभाल के रखिए और जब ड्यू डेट आ जाएगी तो वो पैसा आप मुझे दे दिएगा। इससे बी को कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो बी हम जो है कोई एंट्री नहीं करेगा। सपोज कीजिए 1 अप्रैल को ही ए ने ये बिल बैंक को दे दिया। अब जब ड्यू डेट आएगी जुलाई 3, तब एंट्री क्या पास होगी? बी तो सिंपल एंट्री वही पास करेगा, बिल्स पेबल टू कैश, क्योंकि बी ने पैसा दे दिया बिना किसी डिफॉल्ट के। बैंक बी के पास गया, उसने कागज दिखाया तो बी ने पैसा दे दिया। और ए क्या करेगा? ए के खाते में पैसा आ जाएगा बैंक में, तो हमारा जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन था वो मैच्योर हो जाएगा और ये दोनों एंट्री पास कर देंगे। खाते में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, राइट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ये 1 अप्रैल को, इस वाली तारीख को जब हमने बिल बैंक को दिया था, तो बी ने कोई एंट्री नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि बिल जिस मर्जी आदमी के पास रहे, बी को उससे कोई मतलब नहीं है, बी ने उस बिल के अगेंस्ट पैसा देना ही देना है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हमने ये जो हमारा बिल था ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंटिंग क्या होता है? डिस्काउंटिंग होता है कि मैं बैंक, मुझे 1 अप्रैल को मेरे पास बिल जनरेट हुआ, ठीक है, उसकी ड्यू डेट थी 3 जुलाई, लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे 1 मई को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। अब बैंक का तो काम ही है ब्याज पर पैसा देना, राइट। तो मैं कहूंगा कि आप ये बिल ले लो, आपके पास जब पैसा आएगा आप रख लीजिएगा और जो आपके चार्जेस हैं आप मुझसे चार्ज कर लीजिए, ठीक है। अब बैंक को तो अच्छा लगेगा ना क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है। तो मैं 1 मई को बैंक के पास जाऊंगा, ए जाएगा बैंक के पास, बैंक कहेगा जी मैं लगाऊंगा आपको 18% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक कहेगा 3 महीने की डेट है बिल की, तो 3 महीने के हिसाब से 18%। आप कहोगे नहीं सर, ऐसा है जो बिल की डेट थी वो 3 महीने तो ज़रूर थी, लेकिन उसमें से 1 महीना जो है वो निकल चुका है, वो पूरा हो चुका है, तो बैंक आपकी बात मान लेगा, ठीक है। तो बैंक उसको 2 महीने का इंटरेस्ट लगाएगा, 18% इंटू 2 मंथ, राइट। ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़। अब आपके पास चाहे वो कैश आए या बैंक आए, खाते में पैसा आए या नगद मिल जाए आपको, आपके एंट्री पास करेंगे, कैश आएगा और बिल रिसीवेबल आप उसको बैंक को दे देंगे। अब बिल रिसीवेबल किस अमाउंट का था? 1 लाख। 1 लाख में से 3,000 रुपये जो था हमारा, ये हो गया डिस्काउंट, या इसको आप लिख सकते हैं रिबेट। रिबेट वैसे इस केस में नहीं लिखते हैं ज़्यादातर, तो आप इसी को, डिस्काउंट को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। और कैश कितना आएगा हमारे पास 3,000 काटने के बाद? 97,000, ठीक है। ये कैश आपको 1 मई को ही मिल गया। क्या ये पैसा बी ने दिया? नहीं, बी ने नहीं दिया, ये बैंक ने दिया अपने बिहाफ पर। तो
तो जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी जुलाई 3, बी क्या एंट्री पास करेगा? बी तो बैंक जाएगा बी के पास, उसको बिल रिसीवेबल दिखाएगा अपना, तो बी उसको पैसा दे देगा पूरे 1 लाख रुपए। इससे क्या होगा, बैंक को भी 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और आपको भी जल्दी पैसा मिल गया। तो जुलाई 3 को आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि आपके आपके पास उस बिल के अगेंस्ट कोई राइट नहीं बचा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है कि बी ए ने बिल बैंक को देने के बजाय किसी और को दे दिया। क्यों दे दिया? अब सपोज कीजिए ए ने सी से कोई सामान खरीदा था, ठीक है, तो सी उससे पैसे मांग रहा था, तो ए ने कहा कि मैंने ये सामान बी को बेचा है, उसने मुझे ये बिल रिसीवेबल दिया है, ये बिल रिसीवेबल आप रख लीजिए कि जिस दिन ये पैसा आएगा ये आपको मिल जाएगा। तो सी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सेल के वक्त तो एंट्री कोई नहीं होगी हमारे 1 अप्रैल को, लेकिन अब अगर मैं अज्यूम करूं कि 1 मई को हम ये बिल सी को दे रहे हैं, तो उस दिन बी कोई एंट्री पास करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बी की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। ए क्या एंट्री पास करेगा? ए कहेगा कि सी मेरा एक क्रेडिटर था, उसको मैं कुछ दे रहा हूँ तो वो डेबिट हो जाएगा, और क्या दे रहा हूँ, बिल रिसीवेबल दे रहा हूँ अपना, किस अमाउंट का, 1 लाख रुपए का। और सी क्या रिकॉर्ड करेगा कि मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, और किससे आया, ए से, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। अब जुलाई 3 ड्यू डेट बिल की, उस दिन कौन जाएगा पैसा लेने? ए जाएगा। ए कैसे जाएगा, ए के पास तो बिल है ही नहीं, ए ने तो ये बिल रिसीवेबल जो था सी को दे दिया। ठीक है, तो जाएगा सी, ए नहीं जाएगा, सी जाएगा। सी क्या कहेगा कि बी पैसे दो, ठीक है मेरे पास बिल रिसीवेबल है, तो सी दे देगा। सी कहेगा ये लो बिल रिसीवेबल मेरे पास था और आप कैश ले लो 1 लाख रुपए। ऐसे ही सी के पास पैसा आ जाएगा, सी कहेगा वेरी गुड बिल रिसीवेबल मैंने दे दिया और कैश आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे लेवल पे लेके जाते हैं। अब सपोज कीजिए हमने ये बिल एंडोर्स तो करा था, ठीक है, हमने सी को दिया तो था, लेकिन जब जिस दिन सी पैसे लेने गया तो वो पैसे मिले नहीं, ठीक है, बी कहा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे? तो इसको थोड़ा सा आपको और इलेबोरेटली कुछ पॉइंट समझाने के लिए मैं इसको इसमें 2 पार्टीज और लेके जा रहा हूँ, डी एन ई। तो सब क्या होगा, बी ने ए को बिल रिसीवेबल दिया, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने आगे ई को दिया। ठीक है, ये चेन ऐसी बनती है बिजनेसेस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में भी ऐसा ही होता है कि एक आदमी आगे की आगे उसको बिल को पास कर देता है। मेरे पास अप्रैल 1 को ये सेल हुई थी, मई 1 को हमने ये एंट्री करी थी एंडोर्समेंट की। अब आगे क्या होगा, अब चलिए इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 5 मई को सी ने ये बिल जो था वो डी को दे दिया, राइट, डी की एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल आया, किससे आया, सी से आया। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। अब इस वक्त बाकी कोई भी कोई एंट्री नहीं पास करेगा क्योंकि किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं कि जून 1 को ये बिल डी ने ई को दे दिया, तो डी के एंट्री पास करेगा ई अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, और ई एंट्री क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल आया, किससे आया, डी से आया। ठीक है, चलिए अब ड्यू डेट की बात करते हैं, 3 जुलाई, इस दिन क्या हुआ, ई गया बी के पास कि भाई पैसे दे दो, बी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो ई क्या करेगा, ई डी को बोलेगा कि ये जो आपका बिल था ये डिसऑनर हो गया, तो मैं आपको ये जो है बिल वह है वापस दे रहा हूँ। वापस देना बहुत आसान है, जो हमारी ये डिसऑनर की एंट्रीज हैं इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने जो एंट्रीज हमारे पास पहले हुई थी उनको रिवर्स कर देना है बस। ठीक है, जो भी एंट्रीज हमारे पास थी, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देना है और जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देना है, इस तरीके से
ये हमारा जो एंट्री है रिवर्स हो जाएगी, इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने ई में क्या एंट्री पास की थी, बिल रिसीवेबल टू डी, तो अब क्या कर देंगे हम, डी टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, ऐसे ही डी ने एंट्री कौन सी पास की थी, एक तो करी थी बिल रिसीवेबल टू सी, एक करी थी ई टू बिल रिसीवेबल। तो जो बिल रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एंट्री बच जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ई का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा और सी का जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही सी में अगर हम देखें तो सी में एंट्री क्या हो जाएगी, सी में एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अगेन कैंसिल, और एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट। ठीक है, बी क्या करेगा, बी कहेगा बिल पेबल जो है वो डिसऑनर हो गया मेरा टू ए अकाउंट, उसका अकाउंट बढ़ जाएगा। और ए क्या करेगा, ए कर देगा, ये थी बिल रिसीवेबल टू बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, तो बी अकाउंट डेबिट टू सी। अकाउंट ठीक है, ये हो जाएगी हमारा सिर्फ रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। किसी भी पार्टी के पास आपको दो ही एंट्रीज मिलेंगी, एक बिल रिसीवेबल आने की और एक अगर उसने एंडोर्स किया है उसके जाने की। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो किसी ने केस कर दिया बी के ऊपर, ठीक है, रिकवरी के लिए कर दिया, राइट, कि मुझे पैसा नहीं मिला तो आप कोर्ट पैसा दिलाएगी। तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट का कुछ खर्चा भी होता है, कोर्ट फी वगैरह भी लगती है। ठीक है, तो हम इस सवाल में एक बार अज्यूम करेंगे कि जो ये केस है ये हमारे डी ने किया है। ठीक है, डी इज द सर्विंग पार्टी और बी को ये नोटिस सर्व होगा। तो यहाँ तक जो हमारे एंट्री थी अपना जून 1 तक, ये तो सब सेम रहेगा, एंडोर्समेंट की एंट्री थी। ठीक है, अब जुलाई 3 को क्या होगा, जुलाई 3 को ये बिल डिसऑनर हुआ तो ई ने क्या एंट्री पास की, ई ने एंट्री पास की थी डी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डी ने एंट्री क्या पास की, डी ने करी सी अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट। ठीक है ना, लेकिन ये नोटिस इसको सर्व करेगा बी को, लेकिन जो पैसा है जो हमारी मनी है वो किससे मांगेगा, वो मांगेगा सी से, क्योंकि उसकी जो इमीडिएट पार्टी थी वो सी ही थी ना कि बी। बी के ऊपर सिर्फ बिल रिसीवेबल का नोटिस जा सकता है, जो हम पैसा क्लेम कर रहे हैं वो सी से करेंगे, सी फर्दर ए से करेगा और ए फर्दर बी से करेगा। तो हम सी को कहेंगे कि ई अकाउंट, ठीक है, ई को अब इसमें वैल्यू डालें तो 1 लाख, 1 लाख हमारा वैल्यू थी बिल की, ऐसे ही 1 लाख रुपए। ई तो हो गया हमारा 1 लाख और सी हो गया 1 लाख। अब जो ये खर्चा था नोटिस सर्व करने का, ठीक है, कोर्ट फी होगी या वकील की फी होगी, ये कौन देगा, ये डी देगा क्योंकि डी केस कर रहा है। तो डी ये जो मनी है ये सी से क्लेम करेगा, कैसे क्लेम करेगा, वो एक इसमें लिख देगा कैश, ये कैश था जो हमारा एक्सपेंस था, जो हमारे कोर्ट के एक्सपेंसेस थे, सपोज 1,000 रुपये उसका खर्चा हो गया। तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, ई की लाइबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन सी के ऊपर जो क्लेम किया था 1 लाख रुपये, ये 1 लाख से बढ़कर 1,01,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमारा नोटिस के ऊपर भी खर्चा हुआ है। ठीक है, और बी क्या करेगा, बी कहेगा बिल्स पेबल थे मेरे पास 1 लाख रुपए के, इसके ऊपर डी को नोटिंग चार्जेस देने पड़े तो ये बी को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नोटिंग चार्जेस आपके कोर्ट का खर्चा होता है, ठीक है, टू ए, हम कहेंगे कि भाई ए, बी कहेगा कि ए मैं तुम्हें 1,01,000 रुपए की लाइबिलिटी मानता हूँ, क्योंकि किसी पार्टी ने मुझे मेरे ऊपर नोटिस भी भेजा है तो उसका खर्चा 1,000 रुपये आया है। ठीक है, ऐसे ही ए क्या कहेगा, ये कहेगा ठीक है बी मैं तुम्हें 1,01,000 रुपये दूंगा क्योंकि वो बिल डिसऑनर हो गया, आई एम सॉरी, सी को हम पैसा देंगे, ए पैसा देगा क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया था।
और सी में हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू डी। एंट्री सेम है, बस कुछ वैल्यूज बदल गई हैं यहां आकर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रीटमेंट। ये जो खर्चा था नोटिंग चार्जेस, ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। इसका फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि जो नोटिंग चार्जेस है वो कौन पे करता है। तो इनिशियली जो नोटिंग चार्जेस है वो जो सर्विंग पार्टी है वो पे करती है, और उसके बाद वो रिकवरी हो जाती है जिससे हमने पैसा लेना है, जो हमारा ड्रॉई था जिसके नाम पर बिल बना था वो पे करता है। राइट, चलिए ये तो होगी बुरी बातें सारी, अब कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा जो ये डिसऑनर हुआ था बिल, बी ने कहा कि नहीं यार पैसे तो मैं दूंगा, आप इस बिल को रिन्यू कर दीजिए, ठीक है, मुझे कुछ टाइम दे दीजिए लेकिन मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो जो बिल रिन्यू होगा वो हमेशा हमारी जो इनिशियल पार्टीज थी ए और बी, उन्हीं के बीच हो सकता है और किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं रहेगा। तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे कि इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, अनलेस एंड अदरवाइज दोबारा ये बिल जो है एंडोर्स किया जाता है। अब ए क्यों मानेगा बी से बिल रिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसने पैसा लेना है, उसकी तो मजबूरी है, राइट। लेकिन लीगली वो किस चीज़ के लिए, बी किस चीज़ के लिए लाइबल हो गया, उसको ब्याज देने के लिए जो उसने डिफॉल्ट करा उस पेमेंट के लिए, या जो वो और समय मांग रहा है उस पेमेंट पे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब बी कह रहा है 3 महीने के लिए कि इस बिल को 3 महीने आप रिन्यू कर दीजिए, तो जैसे ही वो 3 महीने खत्म होंगे मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। तो ए बोलेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1,01,000 रुपये का अभी अमाउंट हो गया था, इसको मैं रिन्यू कर देता हूँ, लेकिन जो बैंक रेट है 18%, इसी इसके ऊपर आपको मुझे 3 महीने के लिए ब्याज भी देना पड़ेगा, एंड बी विल एग्री अपॉन। तो अगर हम ये ब्याज कैलकुलेट करें तो ये पड़ जाएगा ना 4545 जी। ठीक है, तो ये 4545 ये इंटरेस्ट है जो ये हम बी से रिकवर करेंगे। इंटरेस्ट रिकवर करने की एंट्री क्या होती है, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमारी इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट के तौर पर, और लेना किससे, हमने बी से। ऐसे ही बी का जो ये इंटरेस्ट है ये एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि बी को ये पे करना पड़ेगा अपने डिफॉल्ट के लिए टू ए। ठीक है, अब जो बिल रिन्यू होगा उसकी क्या अमाउंट होगी, उसकी अमाउंट होगी ये 4545 रुपये प्लस 1,01,000 रुपये, ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,05,543 रुपये। ठीक है, इस अमाउंट से हमारा जो बिल रिसीवेबल है, एक और हम बिल रिसीवेबल बना देंगे 1,05,543 रुपये, और बी क्या रिकॉर्ड करेगा, बी रिकॉर्ड करेगा ए अकाउंट डेबिट टू 102 बिल पेबल। ठीक है, अब ये बिल रिन्यू कब हुआ, जब हमारा डिफॉल्ट हुआ था, हम सपोज कर लेते हैं इसको सेम डेट, ठीक है, उसी दिन हमने इसको रिन्यू कर दिया। अब इसकी ड्यू डेट कब बनेगी, इसकी ड्यू डेट बनेगी अक्टूबर 3, ठीक है, वही 3 महीने प्लस 3 दिन, तो अक्टूबर 3 हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। उस दिन क्या होगा, उस दिन ए जाएगा बी के पास पैसे मांगेगा, तो बी उसको पैसे दे देगा कैश अकाउंट डेबिट टू, बताइए बी के, ए के पास कैश आएगा तो बिल रिसीवेबल उसको दे देगा, राइट, 1,05,543 रुपये, और यहाँ हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश सेम वैल्यू। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमें फिर से ज़रूरत पड़ गई जल्दी, तो ए ने वैसे ही सोचा कि चलो एक बार ही पूछ के देख लेते हैं, क्या पता पैसे मिल जाए। सपोज हमें 1 सितंबर को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो ए ने फ़ोन करा बी को, तो बी ने कहा बिल्कुल पड़े हैं पैसे, आप ले लीजिए कोई इशू नहीं है। तो ए भागा भागा गया खुशी से कि पैसे दे दो। अब बी वहाँ जाकर क्या कहेगा, बी कहेगा ऐसा है भाई जब मैं लेट हो गया था तो तुमने मुझे ब्याज लगाया था। ए कहेगा हाँ बिल्कुल लगाया था क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा मैं पैसे जल्दी दे रहा हूँ तो मैं भी ब्याज लगाऊंगा। ठीक है, जायज़ है,
तो ए कहेगा बिल्कुल जायज़ है, आप जो मैंने आपके ब्याज लगाया था 3 महीने का, आप उसको काट लीजिए, 1 महीने का जो ब्याज है आप रख लीजिए, क्योंकि आप मुझे 1 महीना पहले पैसे दे रहे हैं, 1 सितंबर को ही दे रहे हैं। तो बी कहेगा ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा कोई बात नहीं, आप सेम कर लीजिए। तो अगर हम 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट करें, वो क्या बन जाएगा, 1515 रुपये। ठीक है, ये जो 1515 रुपये हैं, हम उसको डिस्काउंट दे देंगे बी को, क्योंकि वो जल्दी पैसा दे रहा है। तो हमारी जो, अगर हम ये अक्टूबर 3 वाली एंट्री ना होती, हम जल्दी 1 सितंबर को चले जाते, तो हमारी एंट्री क्या बनती, सितंबर 1 को क्या एंट्री बनेगी, सितंबर 1 को एंट्री बनेगी, कैश आएगा, बिल्कुल आएगा, डिस्काउंट भी किया हमने, बिल्कुल किया है, टू बिल रिसीवेबल, हम ये बिल रिसीवेबल दे देंगे। अब टोटल अमाउंट क्या थी बिल रिसीवेबल की, ठीक है, अब डिस्काउंट हमने डेबिट करा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो उसकी अमाउंट क्या थी, 1515 रुपये, और जो बैलेंस अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा कैश। ऐसे ही बिल पेबल बी के लिए था वो 1,05,545 रुपये का, लेकिन बिल इसको इसके अगेंस्ट उसने कैश कितना दिया, 1,04,030 रुपये, बाकी उसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया डिस्काउंट, और वैल्यू हो गई 1515 रुपये। ठीक है, आप इसको डिस्काउंट या रिबेट कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे सारे केस सिनेरियोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पॉसिबल हैं। ये कुछ चंद मिनटों की वीडियो में आपका पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह से है जो कवर हो गया, इसमें आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक एक और है हमारे पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये एक फैक्चुअल टॉपिक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। ठीक है, अब अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि एक हमारे पास बी था, ए था, सी डी और ई। ठीक है, बी कौन था, बी था हमारा ड्रॉई जिसके नाम पर बिल बना था, ए कौन था हमारा ड्रॉअर, और ये जो सारे हमारे पास थे ये थे हमारे पे। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमारे सभी लोग होते हैं ड्रॉअर और पे, ड्रॉई के अलावा जो भी लोग जिनके पास भी ये बिल जाएगा अपने टेन्योर के दौरान, उन्हें हम कहेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो बी को छोड़कर जिसके नाम पर बिल बना, ए सी डी और ई, ये हो जाएंगे हमारे होल्डर्स इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ए सी डी और ई हो जाएंगे हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही था, बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छे लगे हों, गैप का जो हमारा सीरीज चल रही है ये अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। राइट, ओके, थैंक यू क्लास।